खबरों की नई पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं नफीसा। खबरों पर जाने से पहले डालते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर। धनबाद डीआरएम के फरमान जारी होने और विस्थापन का दंश झेल रहे फरियादियों की मेयर के साथ वार्ता हुई विफल। सिंदरी खाद कारखाना अभी खुला भी नहीं कि जनता मजदूर संघ ने स्थानीय लोगों को नियोजन दिए जाने को लेकर की आम सभा और दी चेतावनी। मानवाधिकार संस्था ने मानव के अधिकार के प्रति धनबाद में की जागरूकता बैठक। और अंत में देखें के न्यूज की खास रिपोर्ट। झारखंड सरकार के 3 साल बेमिसाल का स्लोगन बलियापुर के दुधिया गांव में हुआ फेल। विवाह मंडप है सरकारी उपेक्षा का शिकार। धनबाद कोयलांचल में अतिक्रमण और फिर विस्थापन कोई नई बात नहीं। ताजा मामला जो सुर्खी बना हुआ है वह है बैंक मोड़ तिवारी गली स्थित रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण का। डीआरएम ने फरमान जारी किया कि रेलवे की जमीन अतिक्रमण मुक्त कराकर नगर निगम के सहयोग से पार्क बनाया जाएगा। ये चीज कई जगह और भी जमीन पर लोगों ने आक्रमण कर रखा है। विचार हम लोग किस प्रकार से शहर में और क्या क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं, वो सब जैसे समय आगे फिर बताएंगे। इसके बाद तो मच गया धमाल। वर्षों से रह रहे लोगों ने खोल दिया मोर्चा, हो गए गोलबंद, शुरू हो गया प्रदर्शन, नगर निगम पर हुआ प्रदर्शन। लोगों का विस्थापन के प्रति जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। प्रदर्शन के दिन तो मेयर ने आंदोलनकारियों से दूसरे दिन वार्ता की तिथि तय की। शुक्रवार को वार्ता तो हुई पर नतीजा निकला सिफर। मेयर ने रेलवे का मामला कहते हुए कहा कि निगम आपकी मदद कैसे कर पाएगा, वार्ता विफल हुई। बात भी सही है, रेलवे का फरमान है, रेलवे को अतिक्रमण हटाना है तो निगम क्या कर सकता है। पार्क तो बाद में बनेगा या नहीं बनेगा यह तो अतिक्रमण रेलवे हटाएगा उसके बाद का मामला है। लोगों का आक्रोश भी उचित प्रतीत हो रहा है और हो भी क्यों ना, रोजी रोटी का जो सवाल है। 60 वर्षों से भी अधिक समय से लोग रेलवे लाइन के किनारे आवास व दुकान बनाकर अपना जीवन यापन करते आ रहे हैं, अब वे कहां जाएंगे। रेलवे की नींद वर्षों बाद क्यों टूटी है, आइए देखते हैं इस ज्वलंत मुद्दे पर लोगों का आक्रोश व उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। हम लोग आए हैं भैया कि आज हम लोग 60 साल से झरिया लाइन रेलवे किनारे हम लोग खटाल में रहते हैं, आज हम लोग हटाया जा रहा है। बताइए, हम लोग घर से बेघर हो रहे हैं, हम लोग को कोई स्थान नहीं है, नहीं घर है, नहीं द्वार है, नहीं हमारा लड़का है, 5 गो बेटी है, हम कमाते हैं तो खाते हैं। आज जब से हमको नोटिस मिला है तब से हमको जीना आराम हो गया है। अब बस हमें एक ही उपाय सोच लिए कि डोजर आएगा हम उसी के सामने सूझ जाएंगे। हमको नहीं जीना है, हम जान दे देना चाहते हैं। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कहा हम जा सकते हैं। किस लिए हटाया जा रहा है आप लोग को? हटाया जा रहा है हमें पार्क बनाने के लिए। सर बोले कि डिप्टी मेयर बोले कि पार्क यहाँ बनेगा, कहाँ आप लोग जाइएगा हम नहीं जानते। मेयर साहब का याद है, मेयर साहब बोले हम लोग जान दे देंगे, जान दे देंगे और क्या, जान दे देंगे, इसके सिवाय कुछ नहीं। धनबाद नगर निगम से भी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमारा कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, लेकिन हम ये भी सोच रहे हैं कि आप लोगों को कहीं बसाने का जगह के लिए हम सोच रहे हैं। दोनों बात वो कहते हैं कि मेरे तरफ से ऐसा कुछ नहीं दबाव है, लेकिन हम बसाने के लिए जगह सोच रहे हैं, हम देखते हैं कहीं बसाने का जगह, लेकिन हमने कोई पार्क बनाने के लिए नहीं किया। जब हम मेयर साहब से हम लोगों ने मिला, उन्होंने कहा कि जगह खाली करना पड़ेगा, लेकिन हमारा जगह नहीं है, वो रेलवे खाली कराएगा। तो हमने बोला सर इतने लोगों को उजाड़ करके क्या पार्क बनाएंगे, ये उचित है? उन्होंने कहा कि हम तो पैसा नहीं दिए, अभी तो हम बजट नहीं किए हैं, लेकिन अगर रेलवे करती है तो आपको खाली करना पड़ेगा और अपना देख लीजिए। तो पुनर्वास से हमने बात कही तो उन्होंने कही कि हमने ठीका ले रखा क्या, हमारी काम है झाड़ू देना, हमारा काम पुनर्वास का नहीं है।
दो टुक में उन्होंने जवाब दिया कि मेरा काम झाड़ू लगाना है, हमारा काम पुनर्वास नहीं है। आप जाके संसद को घेरिए, आप जाके विधायक को घेरिए, आप उनको घेरिए, आप मेरे पास मत आइए, उनका काम है। और उन्होंने मुझे एजेंट भी कहा, इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने मुझे एजेंट कहा कि आप इन लोगों को, गरीबों को, अनपढ़ को, दलाल हैं, उनको आप मिसलीड कर रहे हैं। इनके लिए उनको बहुत बहुत बधाई कि अगर उन्होंने सोचा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनका कहना है कि आप जाके विधायक को भेजिए, आप जाके संसद को भेजिए, और हमारा कहना था कि आप मेरे मालिक हैं धनबाद नगर निगम का, मैं आपके पास आया हूँ, आपके शरण में आया हूँ, और हम लोग को इस ठंड में अभी उजाड़ने के लिए पर पुलिस प्रशासन को नहीं भेजा जाए, कुछ समय दिया जाए, साथ ही साथ हम लोगों को पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। इस पर उनका सिंदरी खाद कारखाना अभी बंद पड़ा है, खुलने की जगी है आस, पर अब शुरू हो गई राजनीतिक गर्माहट। जनता मजदूर संघ कुंती गुट ने स्थानीय लोगों को नियोजन की मांग को लेकर आम सभा की और प्रबंधन को दे डाली चेतावनी। आपको बताते चलें कि 20 या 21 जनवरी को प्रधानमंत्री का आगमन होने के संकेत भर मिले हैं, अभी तक आधिकारिक पुष्टि भी नहीं हो सकी है। सिर्फ हर नामक कंपनी की एक टीम आकर कारखाना का जायजा ले रही है। मीडिया में खबरें आई कि सिंदरी कारखाना खुलना तय है, बस क्या था, नेताओं का जमघट लगना सिंदरी में शुरू हो गया। प्रबंधन का माइंड मेकअप किया जा रहा है कि बाहरी लोगों का नियोजन वर्जित होगा, वरना कारखाना चलना होगा मुश्किल। अन्य कई पार्टियों ने भी सभा व चेतावनी का बना रखा है मन। बात सही है, स्थानीय लोगों को ही मिलना चाहिए नियोजन। सिंदरी वासी वर्षों से सिंदरी कारखाना खुलने पर नौकरी की लगा रखे हैं आस। सिंदरी का वर्तमान समय में है बुरा हाल, पर राजनीतिक तभी हो जब बाहरी नियोजन की चले बात। कहीं ऐसा न हो कि राजनीतिक गर्माहट की आहट से खाद कारखाना खोलने की तैयारी कर रही कंपनी वापस न चली जाए। देखिए, ग्रामीणों को क्योंकि वो सीधे साधे भोले ग्रामीण हैं, उन्हें बहुत से चीज़ की जानकारी नहीं होती, उन्हें फुसलाकर गलत चीज़ पढ़ाकर ठग लिया जाता है। इसीलिए आज हम लोग अपने व्यक्तित्व को छोड़कर इस जगह पर आकर लड़ाई करने के लिए तैयार हुए हैं कि उनको कोई ठग ना सके, कोई छल ना सके, और बाहरी जो भी नेता आ रहे हैं उनको ये हिदायत दे रहे हैं हम लोग कि सिंदरी की जनता, सिंदरी की लड़ाई वो खुद लड़ने के लिए तैयार है, उन्हें किसी बाहर की आवश्यकता नहीं। क्या लगता है उनको, यहाँ के ग्रामीणों को रोजगार वगैरह मिल जाए? जरूर मिलेगा, जरूर यहाँ के ग्रामीणों को रोजगार मिलेगा, क्योंकि ये हमारा रोजगार है, हमारे जमीन पर रोजगार आ रहा है और हम इसे लेंगे। समय एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप बनना चाहते हैं टीवी रिपोर्टर? क्या आप बनना चाहते हैं समाज का आईना? क्या आप दिखाना चाहते हैं अपनी प्रतिभा? क्या आप बनाना चाहते हैं अपनी पहचान? क्या आप बनना चाहते हैं समाज का प्रहरी? क्या आप बनना चाहते हैं झारखंड की आवाज? अगर आप में है वो क्षमता और जज्बा समाज हित में कुछ कर गुजरने का, तो आवेदन युक्त बायोडाटा व दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कार्यालय में करें संपर्क। हम आपको देंगे आपकी पहचान का एक प्लेटफॉर्म। संपर्क करने के लिए आप आए प्रातः 11 बजे। हमारा पता है 4x4 फोर्थ फ्लोर आस्था तारा मेंशन पॉलिटेक्निक रोड नियर कॉर्मल स्कूल धनबाद झारखंड। हमारा मोबाइल नंबर है 9431519609 और हमारा ईमेल एड्रेस है knewsdhanbad@gmail.com। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए चुने एक अच्छा स्कूल, एक क्वालिटी एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड। संत जेवियर्स स्कूल शालीमार झरिया कोयलांचल में बेहतर शिक्षा के लिए कृत संकल्पित। एडमिशन ओपन नैसर 2017-18 में जारी है नामांकन। अनुशासन, विनम्रता, शिष्टाचार एवं स्वच्छता जैसे गुणों का समावेश। CCTV कैमरे की नज़र में स्कूल का मुख्य द्वार व सभी क्लासरूम। CBSE पैटर्न पर आधारित है यह स्कूल। आप अपने बच्चों को बदले शिक्षा का स्वरूप दें। नर्सरी से 10 तक की शिक्षा की सुचारू व्यवस्था। हमारा पता है संत जेवियर्स स्कूल शालीमार झरिया सिंदरी रोड धनबाद। हमारा ईमेल एड्रेस है santjeviersschool@gmail.com। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9431513961। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का सर्वांगीण विकास,
चले आए सेंट चिश्ती शाहिद मेमोरियल एकेडमी डिगवाडी नंबर 10 मांझी बस्ती को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बेस्ड ऑन CBSE एंड झारखंड झरिया कोयलांचल का एक प्रतिष्ठित स्कूल जो वर्षों से जगा रहा शिक्षा का अलग नए सत्र के लिए जारी है नामांकन नर्सरी LKG एवं UKG में नामांकन है फ्री प्रशिक्षित शिक्षकों व प्रोजेक्टर के साथ साथ कंप्यूटर द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था तो फिर देर किस बात की इस सत्र में फ्री नामांकन का लाभ उठाएं। हमारा पता है सेंट चिश्ती शाहिद मेमोरियल एकेडमी डिगवाडी नंबर 10 मांझी बस्ती धनबाद हमारा वेबसाइट है www.ht.chisti.com और हमारा ईमेल एड्रेस है sa432968@gmail.com कॉन्टेक्ट करें 9431513058 और 03262380702 क्या आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल ही लाखों रुपए कमाने का माध्यम बने क्या आप चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अमीरों की सूची में आपका भी नाम हो क्या आप चाहते हैं कि डिजिटल युग के बड़े बदलाव आपकी मुट्ठी में हो और काम चुटकी में हो क्या आप चाहते हैं कि पृथ्वी का शक्तिशाली इंडस्ट्री में जुड़कर मल्टी लेवल का काम नाम और धनोपार्जन करें तो देर न करें एक फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है कॉल फॉर डिटेल्स इंक्वायरी 9333446088 झरिया कोलफील्ड में क्वालिटी एजुकेशन के लिए चुने भूतगढ़िया में जामाडोबा पुट की मुख्य सड़क के किनारे स्थित ग्रीन फील्ड इंग्लिश स्कूल जहां नर्सरी से 10th तक की दी जा रही है बेहतर शिक्षा अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य तो फिर देर किस बात की जारी है नामांकन आज ही चले आए ग्रीन फील्ड स्कूल फीचर्स क्वालिटी एजुकेशन को एजुकेशन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी स्पोर्ट्स एंड डांस ग्रीन फील्ड इंग्लिश स्कूल भूतगढ़िया में बच्चों को सुरक्षा की दृष्टि से आने जाने की उत्तम व्यवस्था सभी छात्र छात्राओं के लिए कंप्यूटर क्लासेज की विशेष सुविधा ताकि अच्छे पा सकें अच्छी शिक्षा और बना सकें बेहतर भविष्य हमारा पता है ग्रीन फील्ड इंग्लिश स्कूल भूतगढ़िया मैनेज्ड बाय ग्रीन फील्ड एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट जामाडोबा पुटकी रोड छरिया धनबाद कॉन्टेक्ट करें 9155350875 मेरा मन करते मैं छोलो दिन खेलता रहूं इतने चाले खिलौने और झूले और कंप्यूटर वीडियो गेम और डांसी भी करूं बोलो पापा कहते हैं ना मुझे ना है ना स्मार्ट बनने एंजल होम स्कूल चलो ना मेरे साथ खेलेंगे डांसी करेंगे और इंग्लिश बोलेंगे तभी तो स्मार्ट बनेंगे प्रगतिशील आत्मविश्वास से भरपूर वे सचमुच स्मार्ट भारत को एक स्वस्थ नींव प्रदान करिए क्योंकि नर्सरी एजुकेशन ही पूरी शिक्षा की आधारशिला है न्यू एंजल्स होम स्कूल दूरदर्शी सोच के साथ साथ खेल खेल में शिक्षा तो देते ही है साथ ही साथ नैतिक मूल्य एवं आधुनिक तकनीक का एक अनोखा संगम भी यहीं पर उपलब्ध है इंग्लिश स्पीकिंग के जरिए न्यू एंजल्स होम स्कूल बच्चों में वो विश्वास जगाए बच्चे बने परफेक्टली स्मार्ट बच्चों की मनपसंद गतिविधियां वो प्रतियोगिताएं मंच पर बच्चों की शत प्रतिशत भागीदारी स्पोर्ट्स व ऑडियो विजुअल एड्स के जरिए न्यू एंजल्स होम स्कूल में बच्चों का विकास एक ही उद्देश्य से होता है ताकि बच्चे बने स्मार्ट एक बार बच्चा न्यू एंजल्स होम स्कूल में आए तो नर्सरी से एक मजबूत नींव के साथ पूरी शिक्षा यहीं से प्राप्त करे बार बार स्कूल बदलने की भी आवश्यकता नहीं नन्हे मुन्नों को घर पहुंचाने के लिए डोर टू डोर कॉन्वेंस की भी सुविधा उपलब्ध है सचमुच न्यू एंजल्स होम स्कूल जहां बच्चे जाते हैं शौक से और हमारा पता तो नोट कर लीजिए न्यू एंजल्स होम स्कूल डिगवाडी नंबर 10 मांझी बस्ती जलगोड़ा धनबाद हमारा फोन नंबर है 03263250999 हमारा मोबाइल नंबर है 09833579992 ब्रेक के बाद आपका स्वागत है बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर धनबाद के आजाद नगर भूली में लिटिल एंजल्स मोंटेसरी स्कूल में नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस ब्यूरो के नेशनल ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी देव रंजन प्रियदर्शी और स्टेट वाइस प्रेसिडेंट जितेंद्र कुमार की अध्यक्षता में एक बैठक की गई
बैठक में संस्था के विस्तार और कार्यों को लेकर चर्चा की गई। साथ ही मानवाधिकार संगठन ने मानव के अधिकार के प्रति भी दृढ़ संकल्प देखा गया और इस बैठक में पंकज कुमार, कुमारी मीरा, अजय रवानी के अलावे वार्ड पार्षद प्रतिनिधि हारून कुरैशी, अभिभावक स्वरूप नीलकांत सिन्हा, सरजू सिंह व अन्य सम्मिलित थे। ह्यूमन राइट एंड सोशल जस्टिस ब्यूरो पूरे देश में सभी राज्यों में सभी जिलों में सभी प्रखंडों में सभी वार्डों में सभी पंचायतों में अग्रसर होकर के जो सामाजिक न्याय दिलाने का काम जमीनी स्तर से कर रही है, आज इस झारखंड के धनबाद जिले के वार्ड नंबर 17 में आज जो हम लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के देवरंजन प्रियदर्शी जी के साथ उनके दिशा निर्देश पर नेशनल ह्यूमन राइट सोशल जस्टिस ब्यूरो के मीडिया सेल के दिलसाद भाई की उपस्थिति में आज इस वार्ड के पार्षद प्रतिनिधि हारून कुरैशी जी के नेतृत्व में उपस्थिति में वुमेन्स ज्वाइंट सेक्रेटरी मीरा मैम के उपस्थिति में पंकज कुमार सिंह ज्वाइंट सेक्रेटरी नेशनल ह्यूमन राइट धनबाद डिस्ट्रिक्ट की उपस्थिति में आज एक माहौल जो लोगों के बीच आज बैठक करके हम लोगों ने बनाया, निश्चित रूप से काफी अपेक्षाएं पूरे धनबाद को है, झारखंड को है। झारखंड स्तर पर जैसा कि आप लोगों ने देख रहे होंगे, अजय कुमार सिन्हा जी जैसे नवयुवक झारखंड विकास विकास मोर्चा छात्र के रूप में जो हम लोगों ने छात्र को प्रमोट करने का काम किया है, पूरे राज्यों के सभी जिलों में युवा, महिलाएं, बुजुर्गों, सभी वर्ग के लोगों को लेकर के इस सोसाइटी से जोड़ करके हम लोगों ने झारखंड में बेरा उठाने का काम किया है। यह पूरे लहर की तरह पूरे झारखंड में आगे जाएगी और हम लोग बिल्कुल ग्रास रूट से काम करके आगे बढ़ने का काम करेंगे, लोगों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद देंगे देवरंजन प्रियदर्शी जी का, जो कि ऑर्गेनाइजेशन कमेटी के एक भूमिका में झारखंड उपस्थित होकर के एक लार्ज पैमाने पर इस संस्था को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं रंजीत कुमार जो नासा के साइंटिस्ट हैं उनको मैं धन्यवाद दूंगा कि इस संस्था से जुड़ करके एक प्रेरणा के रूप में वो काम करने का बेरा उन्होंने नेशनल स्तर पर उठाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। समय एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप बनना चाहते हैं टीवी रिपोर्टर? क्या आप बनना चाहते हैं समाज का आईना? क्या आप दिखाना चाहते हैं अपनी प्रतिभा? क्या आप बनाना चाहते हैं अपनी पहचान? क्या आप बनना चाहते हैं समाज का प्रहरी? क्या आप बनना चाहते हैं झारखंड की आवाज? अगर आप में है वो क्षमता और जज्बा समाज हित में कुछ कर गुजरने का, तो आवेदन युक्त बायोडाटा व 2 रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कार्यालय में करें संपर्क। हम आपको देंगे आपकी पहचान का एक प्लेटफॉर्म। संपर्क करने के लिए आप आए प्रातः 11 बजे। हमारा पता है 4x4 4th फ्लोर, आस्था तारा मेंशन, पॉलिटेक्निक रोड, नियर कॉर्मल स्कूल, धनबाद, झारखंड। हमारा मोबाइल नंबर है 9431519609 और हमारा ईमेल एड्रेस है knewsdhanbad@gmail.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। झारखंड सरकार के 3 साल बेमिसाल का स्लोगन बलियापुर के दूधिया गांव में हुआ फेल। विवाह मंडप है सरकारी उपेक्षा का शिकार। आपको बताते चलें कि लाखों की सरकारी राशि से बना है विवाह मंडप, पर पता नहीं कैसे लग गया है ग्रहण। वर्षों पूर्व बनकर तैयार तो हुआ, पर आज तक विवाह मंडप में एक भी विवाह न हो सका, क्योंकि विवाह मंडप उद्घाटन की बाट जोहते जोहते जर्जरावस्था की भेंट चढ़ गया। खिड़की दरवाजे
चोरों के पेट के भोजन बन गए, यानी सरकारी राशि का हो गया दुरुपयोग। कागज कलम में हो गया विकास, पर इसी विकास का जायजा लिया के न्यूज रिपोर्टर ने। के न्यूज रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंच गए बलियापुर के दूधिया गांव। वहां का विवाह मंडप के विकास का सच अब आप खुद देखें। हाँ, वहाँ चापाकल नहीं है, लाइन नहीं है, उसमें अभी तक कोई यूज नहीं हुआ है। कितने दिन पहले वो भवन कंप्लीट हुआ है? 2004-05 का है। आप अपना पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम विजय कांति मंडल है, बीजेपी के सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, दुधिया मेरा गांव है। तो सुरेश हाउस के अभी आप लोग किसी वरीय अधिकारी से बात किया है क्या? नहीं, ऐसे तो नहीं किए हैं। एक बार कल वीडियो साहब से बात किए थे, वीडियो आया था यहाँ, फिर झाड़ी साइड साइड कटवाए। ये 2004-05 में बना है और अभी तक इसका ना पूरा काम हुआ है ना उद्घाटन हुआ है। खाली ये बिल्डिंग खड़ा करके और लॉक करके ठेकेदार भाग गया, ना उद्घाटन हुआ ना कुछ। हाँ, मैं ये इसको लेके, जमीन मेरा ही है, हम ही दिए हैं जमीन। हम सोचे थे कि ग्राम का विकास होगा, ये विवाह मंडप बन जाएगा तो गरीब का शादी होगा, ब्याह शादी में मदद होगा, इसलिए हम लोग ये जमीन दिए थे। लगभग एक साल होने चला है, हम 181 में कंप्लेंट किए थे तो उसमें BDO CO सब देखने के लिए आया था, तो हमको बुलाया था BDO ऑफिस। तो BDO साहब बोला कि इतना तो हम लोग का यहाँ पे फंड नहीं है, तो हम लोग ऊपर तक भेज रहे हैं, आप साइन कर दीजिए। और उसके पहले यहाँ पे कमिटी गठित कर दिया गया, जिसमें हमको अध्यक्ष रख दिया और सचिव राकेश चौबे को रख दिया। तो हम कहना चाहते हैं, उतना दिन, एक साल होने चला है, हम लोग को कमिटी बना दिया है, यहाँ पे कोई रेप हो जाएगा, चोरों का अड्डा बन गया है, जुआड़ी का अड्डा बन गया है, कुछ हो जाएगा तो हम लोग फंसेंगे ना। मुखिया को भी ये बोले थे, मुखिया तो बोला था कि नहीं, जल्दी से एक महीना के अंदर सौंदर्यीकरण हो जाएगा, BDO साहब बोला है, लेकिन कुछ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। हाँ, सब अंधा बना हुआ है इसके लिए, अन्ना हम लोगों का आवाज ऊपर तक जा रहा है। आपको क्या लगता है कि सरकार ने आपको ठगा समझ? एकदम, हाँ, हमको सरकार ठगा है। हम लोग जमीन दे के पछता रहे, हम सरकार को बोलना चाहते हैं। आज 12 साल के बाद नियम है, 12 साल के बाद हम अगर सरकार को जमीन देते हैं, वो अगर यूज नहीं होगा तो वो मेरा इमें आ जाएगा, जमीन मालिक का हक में। हम सरकार को बोलना चाहते हैं कि ये जमीन फिर से हमको दिया जाए, हम इसमें गरीब बच्चा को पढ़ाएंगे, मेरा हैंड ओवर में दिया जाए, नहीं तो सौंदर्यीकरण किया जाए, फिर से चालू किया जाए, लाइट लगाए, पानी का व्यवस्था किया जाए, शादी ब्याह सब होगा यहाँ पे। मुखिया ने कहा कि इसके एक महीना में काम कर देंगे। मुखिया जी नहीं करने वाला है, मुखिया जी खाली मुंह पे बोलता है। एक महीना क्या, 8 महीना होने चला है, इसमें कुछ सुधार नहीं है। आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए एक बार। हम ग्रामीण है यहाँ का, मेरा नाम उमेश कुमार चौबे हुआ। ये गेस्ट हाउस नहीं है, पहले लोग बोलने में गलती किए हैं। ये एक्चुअली है आपको विवाह मंडप है ना, इसमें आज तक विवाह हुआ है ना उद्घाटन ही हुआ है। अब जो भी विभाग निर्माण किए हैं, निर्माण तो हुआ है, लेकिन यहाँ सबसे पहले बिजली नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। इसे परसों के लिए 2 टंकी रख दिया था ऊपर में, जो कि आज तक वो पड़ा हुआ है, बेकार है। और जहां तक इसका जो लागत था, उसके मुताबिक हम लोग एक बार इसमें आंदोलन किए थे, और आंदोलन के बावजूद काम मोटा मोटा ठीक किए थे ठेकेदार, लेकिन यूज अभी तक कुछ नहीं हुआ। जिस चीज के तैसे है, वहाँ अभी कुत्ता और सियार का की हो गया है रहने का स्थान। आइए सुनते हैं जिला परिषद सदस्य व दूधिया पंचायत के मुखिया और बलियापुर के BDO ने इस बाबत क्या कहा। बहुत पहले का ये बना हुआ है, संज्ञान में आया है, इस पर चर्चा होगी सदन पर और मैं बात उठाऊंगा। निश्चित रूप से इसका सुनिश्चितकरण और जो बाकी काम है उसको पूरा कराऊंगा। 13 साल हो गया सर ऑलरेडी। मैं तो अभी निर्वाचित हुआ हूँ, ये पुराना केस है और ये संज्ञान में अभी आया है, तो जरूर विचार किया जाएगा और जरूर इसको ठीक कराया जाएगा। आप लोग जनप्रतिनिधि हैं, गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते हैं, आज तक कभी ये नॉलेज में नहीं आया, आज ही आया। इस बात में मजा, पहले तो बात आ रही थी बीच में कि जो ठेकेदार है वो काम पूरा नहीं किया, वो पूरा करेगा, लेकिन अब उसने वो करना कुछ छोड़ दिया है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, फ्रेश मुद्दा से उठा के फिर से इसको उठा के इसको सौंदर्यीकरण और जो काम पूरा है बाकी है उसको पूरा कराया जाएगा। अभी वर्तमान में तो ये जर्जर स्थिति में है। इनको BDO साहब, हमको एक चिट्ठी यहाँ से गांव से एक आदमी उमेश चौबे, एक से एक में कंप्लेन किया था मुख्यमंत्री के शिकायत, जन शिकायत में
उसके बाद वीडियो साहब हमको बुलाए, बोले कि क्या बात है, इस तरह की शिकायत आया हुआ है। हम बोले हाँ, विवाह मंडप तो मेरा यहाँ बना हुआ है, लेकिन जिस जगह बना हुआ अभी गांव में किस तरह का कार्य, उसमें अभी तक तो कोई कार्यक्रम हुआ नहीं, पानी की व्यवस्था नहीं था, और दूसरा बात तो बिजली की व्यवस्था नहीं है, और इस तरह पड़ा हुआ तो बना बन के पड़ा हुआ, किस तरह कोई कार्यक्रम नहीं, पढ़ते न इस तरह पड़ा हुआ, जर्जर स्थिति हो गया है, कहीं कहीं क्रेक हो गया है, छज्जा टूट गया है। तो हम लोग पंचायत से इसको कराने के लिए हम लोग इसको प्रस्ताव लिए थे, जे इसका प्रलाखन तैयार किया तो 10 लाख पार हो जा रहा है, और हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख रुपया खर्चा करने का ही है। तो इस स्थिति में हम लोग ना रंग पोचा ढंग से कर पाएंगे, ना रिपेयरिंग कर पाएंगे, जिसके चलते हम लोग इसको जिला परिषद जिस विभाग से बनाया उसको हम लोग लिख के दिए थे कि इसको उस विभाग से बनाया जाए। कब लिख के दिए थे? वीडियो से उसी टाइम आज हो गया, 6 महीना ना, 6 महीने नहीं, साल भर होने चला, साल भर उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं। बोला कि हम इसको प्रस्ताव भेज के हम भेज देंगे वहीं जन शिकायत जहाँ है उसको भेज दिया गया। कमेटी गठन किए हैं इस विवाह मंडप को संचालन के लिए, एक समूह का गठन किया गया है जिसमें अध्यक्ष सचिव का चयन हुआ है, और जब इसका रंग रोगन हो जाएगा, मरम्मत हो जाएगा, तो उसको हम लोग सही ढंग से इस गांव में कराएंगे। और अब वर्तमान में इसमें बिजली का कनेक्शन करवा रहे हैं, बोले हुए जी को पाइपलाइन अगर हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। अपना पूरा परिचय दे दीजिए। मैं मोहम्मद रफीक अंसारी, मुखिया ग्राम पंचायत दुधिया। विवाह मंडप बेसिकली जो हमारे संज्ञान में आया तो स्थिति तो काफ़ी ख़राब थी वहाँ पे। पिछले वर्ष जब ये मामले मेरे संज्ञान में आए थे तो हमने उसको पंचायत स्तर से उसकी साफ सफाई और कुछ काम जो पंचायत स्तर से हो सकते थे उसको हमने करवाया था, और एक कमेटी वहाँ पे बनवाया था, और बनवा के कमेटी को समर्पित किया गया था, क्योंकि एक कमेटी से रिलेटेड एसेट था। सरकारी एसेट जब भी बनते हैं तो कम्युनिटी के लिए ही बनता है, कम्युनिटी को का ये दायित्व बनता है उस चीज़ का देखभाल करें, और कमेटी के माध्यम से दिया गया है, देखभाल कमेटी करेगी। इससे हम लोग पंचायत को निर्देशित किए हैं कि वो कमेटी को समय समय पर कमेटी का मीटिंग कराए, ब्रेकअप ले उसको और लेके उसको सुचारू रूप से चलाए। जहाँ तक रही बात कुछ जिन ज़्यादा कुछ हो गया है तो उसके लिए पंचायत स्तर पर काम कराना संभव नहीं है, उतना फंड नहीं है पंचायत स्तर पर, उसका एस्टिमेट बनवा कर प्रयास रहेगा मेरा कि जिला में इसका सूचना दें, और उसके स्तर से अगर फंड उपलब्ध होता है या वहाँ से कार्य होता है तो कुछ कार्य करना रहेगा। लेकिन जनता के बीच ये खराब एक संदेश तो जैसे बिल्डिंग बना हुआ सरकार जो यादव सरकार 3 साल 3 साल का नारा दे रही है, तो कहीं ना कहीं जनता का ये आरोप है कि पदाधिकारी फाइल को दबा के रखे हुए सारा दोष पदाधिकारियों को थोप दे रहा है। अगर ऐसा होता तो काम नहीं होती, जैसे संज्ञान में आया ये तो ऑलरेडी आप भी अगर जाएंगे आपको भी पता चलेगा कि वहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई, ये तो सो मोटो है कि कोई भी बिल्डिंग अगर बनती है तो कम्युनिटी का दायित्व है कि उसका देखभाल करें। देखा यहाँ के ग्रामीण जिन्होंने अपना भूमि को यहाँ पे दान दिया था सरकार को, क्योंकि यहाँ विवाह मंडप बनाया जाए और ग्रामीणों को इसका लाभ मिले, लेकिन वो लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। ये इनका जो फाइल है कहीं ना कहीं सरकारी प्रक्रिया में वो दब कर रह गया है, तो अब देखना आगे ये है कि सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। हालांकि मुखिया यहाँ के जो रफीक अंसारी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 महीना में ही काम यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा और इसका जीर्णोद्धार भी कर दिया जाएगा। जैसा कि हमने देखा भी घूम घूम कर इस पूरे एरिया को, पाइप वगैरह सारा कुछ वो फट चुका है, लैटरिन का जो सेफ्टी टैंक बनाया हुआ था वो भी सारा वो दब चुका है। हालांकि आश्वासन दिया है मुखिया जी ने, लेकिन देखना होगा कि 1 महीना के बाद यह विवाह मंडप ग्रामीणों को वो सौंप पाते हैं या फिर नहीं सौंप पाते हैं। कैमरामैन नीरज सिन्हा के साथ मैं दिलशाद खान, बलियापुर, धनबाद। खबरों के सफर में आज इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए दीजिए के न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। हमारा पता है 4x4 4th फ्लोर आस्था तारा मेंशन पॉलिटेक्निक रोड नियर कॉर्मल स्कूल धनबाद झारखंड। हमारा मोबाइल नंबर है 9431549609 और हमारा ईमेल एड्रेस है knewsdhanbad@gmail.com।